स्वप्न साहब ये जगह को देख रहे हो, ये जगह का नाम है बेंगलोर किला, और उस टाइम मतलब ये जगह जो आप देख सकते हो, ये जो आप दीवार देख सकते हो कितना मतलब कितना ऊंचा है, उस टाइम के टाइम पे इस तरह का दीवार बनना आप लोग सोचो कितना मतलब अभी के टाइम में तो चलो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हमारे इंजीनियर से जो इतना बड़ा दीवार, इससे भी ज़्यादा बड़ा दीवार खड़ा हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे इस तरह का दीवार खड़ा करना मतलब कोई छोटा बात नहीं था, और वो भी ऐसा दीवार खड़ा है कि अभी तक खड़ा है, मतलब सोचो यहाँ पर आपको इसके अंदर सीमेंट लगा है कि बनना था क्या बना था मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन दीवार देखो इतना बड़ा है, हम लोग का पूर्वजों का देन है ये, सोचो हमारी इंडिया कितना महान है, इस तरह का मतलब कारीगरी उस टाइम पे हुआ था, तो आप दीवार देख सकते इतना बड़ा है, और वो गेट देखो आप पीछे, वो मैं दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा गेट सोचो कितना बड़ा गेट है वो, सुप्रीम साहब ये गेट देख ही सकते हो कितना बड़ा गेट है, सोचो उस टाइम के ज़माने पे ये गेट बना था, देख सकते हो आप इतना बड़ा गेट, और ये गेट इसलिए बना था इतना बड़ा बड़ा क्योंकि जब आक्रमण होता था मतलब दुश्मन जब आक्रमण करते थे तो ये बड़ा बड़ा गेट उनको मतलब इस जगह को सेव करता था, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा गेट उस जमाने पे बना करता था, और वो कैसे बनता था मुझे भी नहीं पता। सो फ्रेंड्स ये है बेंगलोर किला, और यहाँ पर आने के लिए आप लोग को मतलब पैसा नहीं देना पड़ता है, आप लोग को वो अभी जहाँ से मैं इंटर हो वहाँ से इंटर होके आप लोग को वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर नेम सब लिखना पड़ता है, और फिर आप अंदर इंटर हो जाओगे। मैं आज से 2020 में जब आया था तो वैसा लिखना नहीं पड़ता था, लेकिन अब लिखना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने अपना भी लिख दिया। और ये जगह क्या है, बेंगलोर किला, यहाँ पर आके आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, आप लोग को बहुत ही मतलब शांति लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो दीवार इतना बड़ा बड़ा आप देख रहे हो, मैं पहले भी यहाँ पर आया हुआ था, जब मैं 2020 में बेंगलोर पे रहता था तभी मैं यहाँ देख गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊँगा। तो ये ऊपर मतलब ऊपर जाने अलाउ नहीं है, जो ऊपर से छत टाइप में है तो वहाँ जाके दिखा सकता था, लेकिन ऊपर जाने अलाउ नहीं है, अंदर नीचे हम लोग घूम सकते हैं। तो अभी आपने वीडियो पे जितना देखा इतना ही है बेंगलोर किला, और भी आगे पीछे है, ये जो अभी जेल देखा आपने, जेल भी बंद है, नहीं तो इसके अंदर जा सकते थे, लेकिन सब कुछ अभी बंद है, बस बाहर से हम लोग देख सकते हैं। तो कभी आप लोग आओगे बेंगलोर तो ये बेंगलोर किला पे जरूर विजिट करना, के आर मार्केट के जस्ट साइड पे ही ये जगह है, के आर मार्केट बेंगलोर पे, और उसके जस्ट साइड पे ये बेंगलोर किला है। तो अभी यहाँ साइड ये थोड़ी दूर आगे जाके यहाँ पर टीपू सुल्तान का महल भी है, वहाँ अंदर जाने के लिए टिकट काटना पड़ता है, तो चलिए मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स बाहर से कुछ इस तरह का है, और उधर जाने अलाउ नहीं, तो उधर जाके भी दिखाता, और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये बहुत ही मतलब 2021 में ऐसा होना आम बात है इस किला का, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हिंदी में, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप जो सीढ़ी देख सकते हो इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, आप लोग वहाँ देख सकते हो लॉक लगा हुआ है, तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो ऊपर जाके आपको ऊपर से व्यू दिखता, तो अब ये लॉक लगा हुआ है तो हम लोग नहीं जा सकते। तो मैं जा रहा हूँ टीपू सुल्तान के महल को आप लोग को दिखाने, जहाँ पर टीपू सुल्तान का महल, अभी रास्ते पे हूँ। आप लोग बेंगलोर किला और क्यार मार्केट से पैदल ही जा सकते हो, तो मैं अभी निकल चुका हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, तो चलिए मैं आप लोग को वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर नाम पढ़ सकते हो टीपू सुल्तान का महल, अभी अंदर जाके मुझे टिकट काटना होगा, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। सब फ्रेंड्स ये मेन गेट, और आप जो उधर देख रहे हो टीपू सुल्तान का महल, अभी देखते हैं क्या प्रोसेस है अंदर जाने का। हाँ ऑनलाइन टिकट क्या करना होगा अभी? सो फ्रेंड्स आप ये मेरे पीछे देख सकते हो ये टीपू सुल्तान का महल। सो फ्रेंड्स इस बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पिछले बार जब मैं आया था तो वहाँ पर मतलब काउंटर से टिकट दे रहे थे और टिकट लेके मतलब बहुत ही जल्दी अंदर चले जाते थे, इस बार ये हो रहा है कि देख सकते हो आप यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है कि यहाँ पर मतलब लोग ऑनलाइन टिकट कर रहे हैं और मेरा फ़ोन पे से सपोर्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक स्कैनर है, कोई स्कैन करके देन उसके बाद अपना नाम, आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर डाल के उसको स्कैन करना हो रहा है, देन उसके बाद अपना डिटेल्स डाल के वहाँ पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना हो रहा है। तो ऑनलाइन टिकट मेरा अभी मतलब नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो अभी मैं अकेला हूँ यहाँ, मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो अभी कैसे क्या करना होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो टीपू सुल्तान का महल है, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ बाहर से। सो फ्रेंड्स आपने कभी 40 रुपये का नारियल पानी पिया है? यही होगा, मैं भी पी रहा हूँ 40 रुपये का नारियल पानी, यहाँ पर नारियल पानी दिया,
और ये पीछे टीपू सुल्तान का महल, मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। अभी मैंने नीलेश को कॉल किया है, उसको बोला है प्रोसेस करने के लिए, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो टिकट मेरा PDF पे आ जाएगा। तो चलो आप लोग भगवान से दुआ करो कि PDF आ जाए, टिकट आ जाए। तो चलिए तब तक आराम से नारियल पानी पीते हैं और नीलेश अभी प्रोसेस कर रहे हैं, देखते हैं टिकट आता है कि नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, मतलब मैं अब खुश हो रहा हूँ। मैं जस्ट उदास होकर मैं जा ही रहा था, आप लोग ने अभी जहाँ तक ब्लॉग देखा, मैं वहाँ वो शूट करके मैं निकल रहा था। मैं एक बार गार्ड को बोला है कि गार्ड अंकल मेरा नहीं हुआ, तो मैं अब जा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो गार्ड अंकल ने बोला एक और बार ट्राई करो, तो गार्ड अंकल ने खुद से मतलब मेरा मोबाइल दिया और उन्होंने सारा प्रोसेस किया। मैंने अपना नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और गूगल पे फ़ोनपे पे जो पिन होता है उसको मैंने किया, तो पैसा पे हुआ 20 रुपया, यहाँ पर अंदर आने का 20 रुपया लगा और ऑनलाइन टिकट आ गया। आप लोग ये देख सकते हो, ये ऑनलाइन टिकट। तो फ्रेंड्स चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ टीपू सुल्तान का महल, ये पीछे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, फ्रेंड्स ये है। तो फ्रेंड्स आप जो मेरे पीछे देख सकते हो, यही है टीपू सुल्तान का महल। और इसका हिस्ट्री भी मुझे नहीं पता क्या है, कैसा है। तो ये एक महल है टीपू सुल्तान का जो बेंगलोर पे है। तो अभी आपने जो भी देखा वो सब मतलब ये किला का है। अब बहुत सारे जगहों पे तो मतलब सील लगा हुआ है कि ऊपर नहीं जा सकते। मैं पिछले बार ऐसा तो मैं ऊपर भी गया था, लेकिन इस बार उस पर सील लगा हुआ है कि हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए होंगे, बहुत सारी जाने गई होगी। यही वो मिट्टी है, ये जगह है और यही वो महल है जहाँ से इंडिया पे किसी टाइम पे रूल हुआ करता होगा। सो बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। मैं इसके 2020 में भी आया था, उस टाइम ऐसा कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ था। उस टाइम ऊपर भी गया था और ऑनलाइन टिकट सिस्टम भी कुछ नहीं था। तो आप लोग देख सकते हो बस इतना है, और मैं ट्राई करता हूँ और भी कुछ दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है यहाँ पर, ना ही तलवार है, ना ही कुछ ऐसा चीज़ है जो देख सकते हो। यहाँ पर ये सिर्फ एक महल है और यहाँ पर ये महल के अलावा और एक दो कुछ फ़ोटो है, बस यही सब है। सो फ्रेंड्स ये है टीपू सुल्तान महल का बाहर का नज़ारा और ये है टीपू सुल्तान का महल। सामने में ये कुछ मंदिर है, अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मैं भूखे पेट हूँ। मैं जब KR मार्केट पे गया था तो मैंने बस एक समोसा खाया था, वही खा के मैं अभी तक हूँ, क्योंकि इधर ना खाने का टाइम मिला ना कुछ मिला। इधर घुसने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब टीपू सुल्तान के महल पर अंदर आने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, ऑनलाइन टिकट करना पड़ा। तो सो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा ब्लॉग मेरा, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ। मैं सुबह निकला था, अभी 4 या 5 बज चुका है, तो अभी मैं जाऊँगा घर। तो मिलूँगा मैं आपसे कोई और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे। और मैंने अपने पूरे फैमिली के लिए मैंने कपड़ा लिया। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। बस एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे मेहनत को सपोर्ट करो। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोग देख ही रहे हो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो का। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो मैं अभी जाता हूँ, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, पहले कुछ खाऊँगा, बस पकड़ूँगा, रूम जाऊँगा। आज 10 तारीख, कल 11 तारीख, तो कल है मेरा ट्रेन, तो मैं कल ट्रेन पकड़ के घर जाऊँगा और आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है, मैंने बहुत सारा ब्लॉग शूट करके रखा है, अब मतलब करूँगा, और ऑलरेडी कुछ ब्लॉग शूट हो चुका है और ऑलरेडी मैं और भी ब्लॉग करूँगा, वेस्ट बंगाल का भी, बेंगलोर का भी। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, थैंक यू। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना, जिंदगी एक सफर।
सुहाना सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस चैनल का किसी भी तरह से हेल्प या सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप लोग का इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है या फिर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं।